हेलो दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विथ टेली की क्लास में मैं अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में, टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, इसमें अगर हम बात करें तो टेली में बैकअप एंड रिस्टोर की प्रक्रिया को समझाइए, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अधिकांशतः शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है और टेली में प्रैक्टिकल के लिए भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी यह क्वेश्चन होता है। अब टेली में बैकअप एंड रिस्टोर की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम बैकअप के बारे में। दोस्तों, टेली एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्राइज्ड अकाउंटिंग में इसका महत्व होता है और कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हम जानते हैं कि अगर कंप्यूटर में हमारा डाटा है तो वह एक तरह से रिस्क की तरह होता है। कंप्यूटर कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी उसके हार्ड डिस्क प्रॉब्लम दे सकती है, कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ सकती है, जिससे कि उसके अंदर स्टोर हमारा डाटा भी नष्ट होने का डर हमें बना रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा डाटा नष्ट ना हो या किसी भी प्रकार से डाटा डिलीट ना हो, तो हम उसका अलग किसी ड्राइव में या किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस में उसका हम बैकअप लेकर रख सकें। तो यही फैसिलिटी हमको टेली भी देता है कि टेली का डाटा यदि हमें किसी अन्य ड्राइव में स्टोर करना है या किसी अन्य स्टोर एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो इसके लिए टेली सॉफ्टवेयर हमें बैकअप की सुविधा देता है। बैकअप जो कि कंपनी इन्फो के अंतर्गत एक सबसे बड़ा फीचर्स होता है, जिसको कि आज मैं प्रैक्टिकल के रूप में आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको एग्जाम में थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। तो आइए हम टेली के अंदर चल करके इसको समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कंपनी पहले से ही ओपन करके रखी हुई है जो कि एबीसी नाम से कंपनी है और निम्न इन्फॉर्मेशन इसकी है जो मैंने क्रिएट कर रखी है। आप भी पहले कंपनी क्रिएट कर लीजिए या आपके पास पहले से क्रिएट हो तो आप उसका भी बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी इन्फो में जाना है या फिर शॉर्ट की अल्ट प्लस F3 को प्रेस करना है। आप जैसे ही कंपनी इन्फो में जाएंगे तो कंपनी इन्फो के मेन्यू में यहाँ पर सिलेक्ट शर्ट क्रिएट अल्टर जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी लिस्ट में आपको मिलेगा बैकअप। बैकअप जो ऑप्शन होता है वह होता है कंपनी का डाटा कॉपी करके किसी अन्य एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर करना, ताकि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकें या आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य डिवाइस में उपयोग इसका कर सकें। बैकअप पर हम इंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे आप बैकअप पर इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जो रहेगी सिलेक्ट कंपनीज टू बैकअप। सिलेक्ट कंपनी टू बैकअप के अंतर्गत एक रहेगा सोर्स ऑप्शंस और एक रहेगा डेस्टिनेशन ऑप्शन। यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन हो रहे हैं दोस्तों। सोर्स ऑप्शन जो हमारा रहेगा, यहाँ पर वह पाथ या एड्रेस रहेगा जहाँ पर टेली के अंदर डाटा स्टोर होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, टेली के अंदर हमारा जो डाटा स्टोर होता है वह हमारे टेली का जो पाथ होता है, जहाँ पर टेली हमारा सॉफ्टवेयर स्टोर है, जो उसका डाटा फोल्डर है वहाँ पर वो स्टोर होता है। इसकी लोकेशन जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सी ड्राइव यूजर पब्लिक टेली डॉट ERP और उसके अंदर डाटा नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर है। अगर आप इसका बैकअप किसी अन्य ड्राइव में लेना चाहें तो उसके नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा डेस्टिनेशन। जी दोस्तों, डेस्टिनेशन वह लोकेशन यहाँ पर हमको देना रहेगी जिसमें हमको डाटा लेना है या डाटा स्टोर करना है। तो ऊपर सोर्स में तो ऑटोमेटिकली एड्रेस आ ही जाता है जहाँ से डाटा लेना है, और डेस्टिनेशन कि कहाँ पर डाटा आपको ले जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना डी ड्राइव ओपन कर रखा है, आप माई कंप्यूटर के अंदर जो भी ड्राइव में लेना चाहें, जैसे मैंने डी ड्राइव ओपन कर रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं केवल 4 फोल्डर यहाँ पर है, अन्य कोई टेली का फोल्डर नहीं है। अब टेली के अंदर मैं इंटर की को प्रेस करूंगा, डी ड्राइव के अंदर मुझे बैकअप लेना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ई दिख रहा है, इसको मैं डी बनाऊंगा,
डी प्रेस करूँगा, कॉलन और स्लैश लगा दूँगा, जिससे यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा कि डी ड्राइव में मुझे बैकअप लेना है। इसके बाद इंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे तो नेम ऑफ कंपनी में यहाँ आप देख सकते हैं लिस्ट आ गई है। मेरे कंप्यूटर में जितनी भी कंपनियाँ बनी हुई सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस जिसका भी बैकअप लेना है उसका आप ले सकते हैं। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी का बैकअप लेना चाहता हूँ, मैं एबीसी कंपनी पर इंटर की को प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं एबीसी कंपनी आ चुकी है। अगर और भी किसी कंपनी का बैकअप लेना है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा एंड ऑफ लिस्ट पर आप इंटर कर सकते हैं। जैसे ही एंड ऑफ लिस्ट पर हम इंटर की को प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, हम इंटर की को प्रेस करेंगे, हमारी कंपनी का बैकअप आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं डी ड्राइव में जाकर के यहाँ पर चार फोल्डर थे, उसके नीचे टेली का फोल्डर आ जाता है जिसके अंदर हमारी डाटा फाइल स्टोर हो जाती है। मतलब अब अगर टेली के अंदर से हमारी कंपनी डिलीट भी हो जाती है तो हमारी कंपनी का डाटा जो है वो हमारे पास सेफ स्टोर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एबीसी नाम की कंपनी, अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो मैं अल्टर में जाकर के इंटर की को प्रेस करूँगा और अल्ट डी प्रेस करूँगा। यहाँ पर अल्ट डी जैसे ही प्रेस करूँगा डिलीट पूछेगा, इंटर की को आर यू श्योर इंटर, ये मेरी कंपनी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं सिलेक्ट कंपनी में जाकर के यहाँ पर केवल तीन कंपनी ही शो कर रहा है, इसके अलावा कोई कंपनी एबीसी कंपनी नहीं है। अब मुझे मेरी एबीसी कंपनी को पुनः लाना है, तो पुनः लाने के लिए दोस्तों अगला फीचर्स जो बैकअप के बाद होता है वह होता है रिस्टोर। रिस्टोर एक ऐसा फीचर्स है जिसकी सहायता से हमारी कंपनी का डाटा जो हमने बैकअप लेकर के रखा हुआ है उसे पुनः हम टेली के अंदर रिस्टोर कर सकते हैं। तो डाटा रिस्टोर करने के लिए हम पुनः टेली के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमें रिस्टोर ऑप्शन पर आना है, कंपनी इन्फो के अंतर्गत रिस्टोर ऑप्शन पर इंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेलेक्ट कंपनीज टू रिस्टोर करके विंडो ओपन होगी। इसमें डेस्टिनेशंस वही पाथ आ जाएगा जहां पर आपको डाटा ले जाना है और सोर्स जहां से डाटा उठाना है। आपने देखा होगा शुरू में हमने जब डेस्टिनेशन देखा था तो वहां पर जो था हमने डी ड्राइव लिया था और सोर्स में जहां से डाटा को उठाया था। यहां पर रिस्टोर में सोर्स में जहां पर हमारा डाटा स्टोर है अब डी बन चुका है और डेस्टिनेशन जहां पर हमको ले जाना है। और आप नेम ऑफ कंपनी में देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एबीसी कंपनी हमारे सामने आ गई है। अगर आपके और कोई लोकेशन है जहां पर आपने डाटा रखा तो बैक स्पेस की को प्रेस करके आप यहां ले जाकर ड्राइव को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपने डी ई या एफ या जी एच जो भी आपका ड्राइव वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटर की को प्रेस करेंगे, एबीसी कंपनी हमारी यहाँ शो हो रही है कि इसका हमको रिस्टोर करना है। एबीसी कंपनी पर इंटर, एंड ऑफ कंपनी और एक्सेप्ट पर इंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे एक्सेप्ट पर इंटर की को प्रेस करेंगे हमारी कंपनी का बैकअप जो हमने दिया था वो पुनः रिस्टोर हो जाएगी। अब आप सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन में जाकर के देखेंगे तो लिस्ट में आपको आपकी कंपनी दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि आपकी एबीसी कंपनी जो है वो पुनः यहाँ पर आ चुकी है। आप जैसे इंटर की को प्रेस करेंगे आपकी कंपनी का डाटा ओपन हो जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण ऑप्शन है दोस्तों, बैकअप एंड रिस्टोर, जो कि हमारी कंपनी का डाटा बैकअप लेने के लिए एंड उसे किसी अदर सिस्टम में या अदर कंप्यूटर में या पुनः इसी कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे हमारे डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था बैकअप एंड रिस्टोर टेली के अंदर, प्रैक्टिकल के यूज़ के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकांशतः इसे पूछा जाता है। आप इसके प्रैक्टिकल करके इसकी जो थ्योरी है आपके नोट्स में उसे भी आप पढ़ें समझें, ठीक है दोस्तों। आप पूरा वीडियो आपने वॉच किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए ओके बाय।